ऑलराइट, सैमसंग अपनी एस सीरीज को इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि सिंध गवर्नमेंट कराची। अबे किसने लिखी है स्क्रिप्ट, सॉरी। सैमसंग अपनी एस सीरीज को इस तरह से ट्रीट करता है जैसे कि ये उनकी सौतेली औलाद हो, ये ठीक है। और सैमसंग की एस सीरीज के जो प्राइसेस है वो इस तरह से बढ़ रहे हैं जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लिटरली इस वक्त सैमसंग जो है अपनी एस सीरीज के अंदर तकरीबन 7 फोन जो है वो ऑफर करता है, और इन 7 फोन्स के अंदर एक फ़ोन है जो कि मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ। एक्चुअली 2 फ़ोन हैं, लेकिन जो बाकी 5 फ़ोन है ना, क्वेश्चन मार्क है कि यार सैमसंग कर क्या रहा है, और उसी के बारे में आज की पूरी वीडियो है कि यार सैमसंग जो है अपनी सीरीज के ए सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान में क्या कर रहा है। सैमसंग ना बस बना रहा है, फ़ोन भी बना रहा है और लोगों को भी बना रहा है। खैर, अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोबाइल फ़ोन्स के रिव्यूज़, कैमरा टेस्टिंग, गेमिंग टेस्टिंग और इस तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ। अच्छा, मुझसे ना वैसे डेली लाइफ में भी और सोशल मीडिया पे भी ना लोग काफ़ी पूछते रहते हैं फ़ोन्स वगैरह के हवाले से। और जब कोई फ़ोन सैमसंग का फ़ोन का पूछता है ना कि यार मुझे सैमसंग का डब्बा पैक फ़ोन लेना है, तो मैंने ना अपना एक रूल बनाया हुआ है, और वो रूल ये है कि गोल्डन रूल है कि यार अगर आपका बजट 50,000 से नीचे है ना, तो सैमसंग का कोई भी नया फ़ोन ना लो। अगर आपको सैमसंग से इतनी मोहब्बत है ना, तो उनका 1 साल 2 साल पुराना फ्लैगशिप फ़ोन ले लो जो कि एस सीरीज़ या नोट सीरीज़ है, लेकिन 50,000 से नीचे न्यू फ़ोन ना लो। और क्योंकि मुझे पता है कि 50,000 से नीचे जो है इनकी एस सीरीज़ के फ़ोन आते हैं, और वो एस सीरीज़ के जो फ़ोन है वो बहुत ही, मतलब बताऊँगा अभी आगे चल के। खैर, तो ये है, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा बजट है तब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और वो भी 1-2 फ़ोन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ सैमसंग के न्यू फ़ोन्स। लेकिन ज़्यादातर मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि अगर आपको सैमसंग लेने का शौक है ना, तो आप उनके यूज़ फ़ोन ले लें जो एस सीरीज़ हो गई, नोट सीरीज़ हो गई, वो बहुत अच्छे फ़ोन होते हैं। और सैमसंग ने अपनी एस सीरीज़ इसीलिए बनाई हुई है ताकि वो मिड रेंज फ़ोन में लोगों के पास ऑप्शन हो सैमसंग का फ़ोन लेने का, और वो सैमसंग का नाम देखकर कोई फ़ोन ले ले। और यही होता है, लोग दुकान पर जाते हैं, उनको देखते हैं सैमसंग का फ़ोन है, नया मिल रहा है, डब्बा पैक मिल रहा है, 20 का मिल रहा है, 30 का मिल रहा है, वो ले लेते हैं। सैमसंग का सीन ये है ना कि सैमसंग की जो नीश है ना, नीश वो होती है कि किसी चीज़ की स्पेशलिटी, वो किस चीज़ का स्पेशल है। जैसे एप्पल है, एप्पल प्रीमियम फ़ोन्स बनाता है, महंगे आईफोन्स बनाता है, सैमसंग भी सेम एप्पल जैसे ही है महंगे फ़ोन्स बनाता है। नोट सीरीज़ हो गई, एस सीरीज़ हो गई, वो लाखों रुपए के फ़ोन आते हैं, और सैमसंग उसी चीज़ में माहिर है, मतलब कि एस सीरीज़ और नोट सीरीज़ बहुत अच्छी होती है। लेकिन सैमसंग ये मिड रेंज फ़ोन जो ए सीरीज़ के 20,000, 30,000 या 35,000 रुपये वाले जो फ़ोन है, ये इसीलिए बनाता है खामखा ताकि सिर्फ मार्केट के अंदर इनके फ़ोन्स अवेलेबल हो, और ये सारा का सारा जो प्रॉफिट है ना, वो चाइनीज़ कंपनीज़ के पास ना जाए। ऑन दी अदर हैंड, जो चाइनीज़ कंपनीज़ है उनकी जो माहिर, वो जिस चीज़ में माहिर है ना, वो मिड रेंज फ़ोन बनाने में माहिर है, क्योंकि उनके महंगे फ़ोन लोग इतने नहीं लेते, लेकिन उनके मिड रेंज फ़ोन जो है वो लोग ज़्यादा लेते हैं। उनकी ज़्यादातर कोशिश होती है कि जो हमारे मिड रेंज फ़ोन है, जो 40,000 का आ रहा है, जो 30,000 का आ रहा है, उसको सबसे हम बेस्ट बना सके। और यही वजह है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर जो एक चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, जो शाओमी, रेडमी, पोको, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, रियलमी, टेक्नो, इन्फिनिक्स, जितनी भी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर केसेस में इनके जो मिड रेंज फ़ोन होते हैं, जो 50,000 के अंदर नीचे आते हैं, वो सैमसंग के नए फ़ोन जो ए सीरीज़ के फ़ोन हैं उनसे बेहतर होते हैं। यानी कि चाइनीज़ के सस्ते फ़ोन सैमसंग के सस्ते फ़ोन से ज़्यादा बेहतर होते हैं। मैं फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात नहीं कर रहा, फ्लैगशिप में जो है सैमसंग के फ़ोन मतलब बहुत अच्छे होते हैं, खैर वो चाइनीज़ फ़ोन्स के भी आजकल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और सैमसंग के ए सीरीज़ की अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें ना, तो जो सबसे कम फ़ोन आजकल ऑफर हो रहा है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, वो है सैमसंग A03S। यार 22,500 या 22,000 रुपये की प्राइस के अंदर ये फ़ोन आया है, और इसके अंदर जो स्पेक्स लगाए गए हैं ना, वो तकरीबन 15-16,000 रुपये वाले हैं। मतलब कि आज से यार इसके अंदर एक प्रोसेसर लगाया गया है, और वो प्रोसेसर है हीलियो P35, लिटरली बाबा आदम के ज़माने का प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग ने आज एक फ़ोन में डाल दिया है, पता नहीं क्यों। मतलब कि यार इसमें, मतलब कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हम लोगों को बोले कि इस वजह से कोई फ़ोन ले रहा है। कोई ना कोई फ़ोन का ना एक हाईलाइटिंग फीचर होता है, इस फ़ोन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। इसका प्रोसेसर मतलब बहुत ही कोई पुराने किस्म का है। इसके अंदर जो रैम लगी हुई है 4GB 64GB, इसी प्राइस के अंदर आपको 6GB 128GB वाले ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसी प्राइस के अंदर आपको इससे अच्छे कैमरा ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर 13 मेगापिक्सल कैमरा लगा हुआ है, फ्रंट पे 5 मेगापिक्सल का है। इसी प्राइस के अंदर आपको 90Hz के डिस्प्लेज मिल जाते हैं, लेकिन इन्होंने 720 पिक्सल का डिस्प्ले दिया हुआ है, तो यही सीन है। और जिस प्राइस के अंदर ये फ़ोन आता है, इस प्राइस के अंदर आपको टेक्नो कैमन 17 मिल जाता है, इन्फिनिक्स का हॉट 10S मिल जाता है, और रियलमी की तरफ से रियलमी C25 मिल जाता है, C25S। ये तीनों इस फ़ोन से काफ़ी बेहतर फ़ोन है, इनके अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स लगे हुए हैं। मतलब कि इन तीनों फ़ोन के इस फ़ोन से ज़्यादा फास्ट स्पीड है, अच्छे कैमराज है, अच्छे डिस्प्लेज है, और ओवरऑल जो है अच्छे फ़ोन है। और ऊपर से चार्जिंग स्पीड, यार सैमसंग A03S के अंदर 7.5 वाट का चार्जर निकल रहा है डब्बे में से,
5000 mAh की बैटरी है, 7.5 वाट का चार्जर, मतलब कि तीन घंटे तो आप सिर्फ उससे चार्ज करने में लगा लेंगे। हालांकि इजीली इसी प्राइस के अंदर आपको 18 वाट के फास्ट चार्जर मिल जाते हैं जो कि काफ़ी इजीली आपके फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं। तो मतलब A03s भी कैंसिल है, इसको भी हटा दो, बाकी जो फ़ोन हैं उनकी तरफ चले जाओ। अगला जो फ़ोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A12, 30,000 रुपये के प्राइस के अंदर आता है, 4 128GB वाले जो मॉडल है। और इस फ़ोन के अंदर भी वही सेम प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि आपको पिछले वाले मॉडल्स के अंदर मैंने बताया, P35, मतलब कि बिल्कुल नाकाबिले कबूल प्रोसेसर है। ये ऐसा प्रोसेसर है कि जिससे आप ना सिर्फ व्हाट्सअप पे किसी को मैसेज भेजेंगे वो कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर सकते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह खोल सकते हैं, मतलब कि बिल्कुल बेसिक टास्क जो है ना वो आप कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अपना फ़ोन फास्ट चाहिए ना तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 3-4 महीने बाद आप बोलेंगे यार मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, सैमसंग के फ़ोन हैंग होते हैं, वो इसी वजह से हैंग होते हैं कि प्रोसेसर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उसके अलावा स्क्रीन का भी यही सेम सीन है, 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन का स्क्रीन लगी हुई है, IPS LCD लगी हुई है। और 30,000 में भी आपको सैमसंग एमोलेड स्क्रीन नहीं प्रोवाइड करता है, बड़ी अजीब सी बात है। एमोलेड स्क्रीन जो है वो LCD के मुकाबले में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी अच्छी स्क्रीन होती है, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले कलर्स होते हैं। और सैमसंग जो है इस वक्त आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मैन्युफैक्चर है एमोलेड डिस्प्लेस बनाने का। एप्पल को भी सैमसंग ही एमोलेड डिस्प्लेस प्रोवाइड करता है आईफोन में लगाने के लिए, लेकिन अपने फोन्स में नहीं लगा रहा 30,000 रुपये वाले बजट में। हालांकि दूसरी चाइनीज़ कंपनीज लगा के दे रही है, रेडमी नोट 10 में हमें मिला था और भी कुछ फोन है जिनके अंदर मिला था हमें। तो मतलब यार एक चीज़ होना कि सैमसंग का प्रोसेसर अच्छा नहीं दे रहा तो चलो डिस्प्ले बहुत अच्छा दे दे तो बंदा लोगों को बोल सके कि यार इसके अंदर सैमसंग की UI काफ़ी अच्छी लगी हुई है और ऊपर से डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, तो मतलब वो भी नहीं कर रहा है यहाँ पर सैमसंग। और सेम इसी के अंदर भी 15 वाट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। 15 वाट यार कौन सी फास्ट चार्जिंग कहलाती है, फास्ट चार्जिंग होती है आपके 18 वाट की, 25 वाट, 33 वाट। इसी प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं रेडमी नोट 10 मिल जाता है, इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो मिल जाता है, इन्फिनिक्स नोट 10 है और भी एक दो फ़ोन हैं जो कि हर लिहाज से इस फ़ोन से बेहतर है। फ़ोन की ना सबसे मेन चीज़ होती है प्रोसेसर, जितना अच्छा फ़ोन के अंदर प्रोसेसर होगा उतना अच्छा वो फ़ोन चलेगा, उतने ज़्यादा अरसे तक चलेगा। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स मैंने बताए ना, जो 2-3 फ़ोन मैंने बताया, इनके अंदर हीलो G95 जैसे आपको प्रोसेसर मिल जाते हैं, और हीलो G95 मतलब बहुत ही इतने लेवल का प्रोसेसर है, और P35 मतलब बिल्कुल या कहीं नीचे आता है, इतना डिफरेंस है इन दोनों प्रोसेसर के दरमियान में। लेकिन ये कि बस सैमसंग जो है चेपे जा रहा है। और चार्जिंग का भी यही सीन है, जहाँ पे सैमसंग का जो फ़ोन है वो 15 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसके जो कॉम्पिटिटर फोन है वो 33 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब कि डबल फास्ट चार्जिंग और उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब कि 1 घंटे में आपका फ़ोन जो है चार्ज होना है, जहाँ पर आपका सैमसंग का फ़ोन 2 घंटे 2.5 घंटे लेगा। तो मतलब हर लिहाज से जो है बेहतर फ़ोन जो है अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन मसला है कि लोग पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सैमसंग के फ़ोन जो है वो कुछ पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है, मैं वीडियो के अंदर में जो है बताऊंगा कि यार किन किन लोगों को सैमसंग के ए सीरीज़ के फ़ोन लेने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर बंदा इसे अवॉइड करे तो ज़्यादा बेहतर है। और अगला जो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी A22, 40,000 रुपये के बजट के अंदर आता है, और इसके भी मतलब सेम वही सीन है। यहाँ पर इन्होंने अच्छा ये काम किया है, सुपर एमुलेट का जो मैं कह रहा था कि पिछले वाले फ़ोन में नहीं है, 40,000 रुपये के अंदर इन्होंने सुपर एमुलेट दिया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी तरह से काम खींच दिया कि भाई वो 720 पिक्सल पर स्टॉप कर दिया है, मतलब एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी आपको सैमसंग नहीं दे रहा 40,000 रुपये के प्राइस के अंदर। फुल HD डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन होती है वो 1080 मतलब 1080x1920 या 2400 होती है, ये लोग 720 पिक्सल्स के दे रहे हैं। 720 पिक्सल्स को ना YouTube में जब आप जाते हो ना, YouTube के अंदर नीचे वो जो सेटिंग आ रही होती है वहाँ पे 2-3 ऑप्शन होते हैं, 720 के आगे पहले एक टाइम पे HD लिखा हुआ आता था, अब आजकल वो भी लिखा हुआ नहीं आता, वो भी इन्होंने हटा दिया कि 720 पिक्सल कहाँ से HD हो गया। तो मतलब वो वाली स्क्रीन आपको 40,000 रुपये के अंदर दे रहे हैं, चलो सुपर एमोलेड अच्छी बात है, लेकिन ये कि बस। और उसके अलावा जो प्रोसेसर दे रहे हैं वो हीलो G80 दे रहे हैं। हीलो G80 वो प्रोसेसर है जो कि आपको दूसरे चाइनीज़ ब्रांड 20,000, 22,000, 21,000, 23,000 इस प्राइस के अंदर दे रहे हैं, ये सैमसंग आपको 40,000 रुपये में वही सेम प्रोसेसर दे रहे हैं। मतलब डिफरेंस देख रहे हैं आप, जो सैमसंग का A03s था ना, जिसको मैं कह रहा था कि यार उसके अंदर P35 प्रोसेसर लगा हुआ है, इससे अच्छे आपको प्रोसेसर मिल रहे हैं, उसके कंपटीशन में जो चाइनीज़ ब्रांड प्रोसेसर दे रहे हैं वो आपको सैमसंग 40,000 रुपये में A सीरीज़ में लगा के दे रहे हैं। तो मतलब ये जो A03s, A12, A22 बहुत ही कोई लेम किस्म के फ़ोन हैं। और इसी फ़ोन के अंदर भी जो सेम 15 वाट की चार्जिंग है, 15 वाट कहीं से फास्ट चार्जिंग नहीं होती। और उसके अलावा जो है इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो भाई सबसे पहले तो रियलमी 8 मतलब इस प्राइस में मुझे किंग लगता है ये फ़ोन, क्योंकि यार बहुत VIP फ़ोन है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है इसके अंदर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, काफ़ी अच्छे कैमराज हैं, काफ़ी अच्छी बैटरी है, सुपर फास्ट चार्जिंग है। और इसी तरह का दूसरा फ़ोन अवेलेबल है ओप्पो F19 एक अवेलेबल है, वीवो V21e 40-41,000 रुपये का आ जाता है, इस प्राइस के अंदर मिल जाता है। ये सारे वो फ़ोन हैं जो कि सैमसंग A22 से तो बहुत ही अच्छे हैं। और इसके अलावा अगर आप 2-3 हज़ार और बढ़ाते हैं, आपको इस एक प्राइस के 43,500 में एक फ़ोन मिलता है सैमसंग A32 का सीन ये है कि भाई
वहाँ पर जो है डिस्प्ले के हवाले से कोई शिकायत नहीं है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज भी दिया गया है और 1080 फुल एचडी रेजोल्यूशन भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर प्रोसेसर वही दे दिया जो कि 22 के अंदर लगा हुआ था, G80 20,000-22,000 रुपये वाला प्रोसेसर। कैमराज A32 के इतने अच्छे नहीं है, रेडमी नोट 10 30,000 रुपये का आता है उसके कैमराज भी इससे A32 से अच्छे हैं। तो A32 जिस प्राइस में आ रहा है उस प्राइस में आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि आपको Redmi Note 10 Pro मिल जाता है, Mi 11 Lite मिल जाता है, Vivo V21e मिल जाता है। इन तीनों फ़ोन्स के अंदर ज़्यादा अच्छी चार्जिंग है, ज़्यादा अच्छे कैमराज लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे डिस्प्ले लगे हुए हैं और फास्ट सुपर फास्ट प्रोसेसर है। अब Redmi Note 10 Pro जो है 2-3,000 रुपये महंगा है, आई थिंक 47,000 का मिल रहा है आजकल। लेकिन एक Redmi Note 10 Pro मतलब 20 किस्म का फ़ोन है, अगर आपको A32 लेना है तो 3,000 रुपये मिला के वो फ़ोन ले लें। तो यह A32 तक की जो कहानी है ना सैमसंग A सीरीज़ की, वो बहुत ही कोई अजीब और गरीब किस्म की है। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे पास फ़ोन आता है वो आता है A52, जो कि पूरी A सीरीज़ के अंदर मेरा फेवरेट फ़ोन है और मैं लोगों को हमेशा वही रिकमेंड करता हूँ। ये फ़ोन जब आया था वो आया था तकरीबन 53,000 का मिल रहा था, लेकिन इसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते जो है आजकल 65 हो गई है, लेकिन आई थिंक 60,000 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए मार्केट में। ये जो फ़ोन है ये बहुत बेस्ट फ़ोन है पूरी A सीरीज़ के अंदर, ये एक वाहिद फ़ोन है जो कि बहुत बेस्ट है, मतलब कि अपनी प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इस प्राइस के अंदर मैं अगर 60,000 खर्च करूँ तो मैं ज़्यादातर ये कहूँगा कि यार बंदा सैमसंग ले लें, और सैमसंग इस प्राइस में अच्छी चीज़ ऑफर भी कर रहा है। यार इस फ़ोन के अंदर A52 का सीन ये है कि भाई सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगा हुआ है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, फुल 1080 रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, और उसके अलावा प्रोसेसर काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब दो साल तो सुकून से इजीली चलाएगा ये प्रोसेसर, और ज़्यादातर आपका फ़ोन वगैरह भी हैंग नहीं होगा। मतलब A52 ऐसा फ़ोन नहीं है कि अगर आप 4-5 महीने चलाएंगे और फिर आप बोलेंगे मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है, इससे पिछले जितने भी फ़ोन है ना उन सब के साथ यही होना है। और A52 के अंदर जो है कैमराज काफ़ी अच्छे लगे हैं, 64 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप है, उसके अलावा OIS भी इसके अंदर एक चीज़ दी गई है। OIS होती है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि आपके कैमरे के अंदर एक फिजिकल एक सेंसर वो होता है, एक स्प्रिंग टाइप कोई चीज़ लगी हुई होती है, जब आप पिक्चर्स ले रहे होते हैं, जब आप वीडियो ले रहे होते हैं, तो आपकी जो वीडियो है वो स्मूथ आती है और आपकी पिक्चर जो है वो काफ़ी शार्प आती है इस पूरे टेक्नोलॉजी की वजह से। और उसके अलावा A52 जो है IPS 67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है, मतलब कि आपको वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस जो कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन में एक सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इस फ़ोन का अवेलेबल है, कि अगर आपका पानी वगैरह में गिर जाए तो आपको इश्यूज नहीं होंगे। तो A52 जो है ओवरऑल काफ़ी अच्छा फ़ोन है। चार्जिंग के हवाले से इन्होंने 15 वाट को हटा के जो है 25 वाट कर दी है, तो 25 वाट जो है समझ में आती है, चलो 33 वाट नहीं है लेकिन 25 वाट भी तकरीबन गुजारे वाली चार्जिंग है। A52 की जो कंपटीशन है वो आता है Reno 6 से, Vivo V21 से और एक Poco X3 GT या इस तरह करके एक फ़ोन है Xiaomi का जो फ़ोन आता है। लेकिन ये कि इन तीनों फ़ोन्स के अंदर जो मैं पर्सनली कंसीडर करता हूँ वो A52 को करता हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है, और ओवरऑल भी मतलब सैमसंग का फ़ोन है, UI भी अच्छी है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी है, OIS भी है, तो ये ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है। और उसके अलावा भाई A सीरीज़ के अंदर A72 पता नहीं क्यों बना दिया सैमसंग ने, मतलब बहुत ही कोई यार A52 और A72 पूरे सेम फ़ोन है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, क्योंकि उसके अंदर एक लेंस अलग से दिया हुआ है और वो है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस का ये काम होता है कि आपकी जब आप पोर्ट्रेट फोटोज़ ले रहे होते हो ना, तो उसके अंदर काम करता है, उसके अंदर पोर्ट्रेट थोड़े से बेटर लेता है और जूम के अंदर आपका काम आ रहा होता है। बाकी पूरा A52 जैसा फ़ोन है, लेकिन 10-20,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं A72 के लिए। तो A72 तो बिल्कुल ही फारिग है, उसको तो हटा ही दो। अगर आपके पास 70,000 का भी बजट है ना, तो आप 60,000 में A52 ले लो, A72 ना लो, A52 लेके 10,000 रुपये में कोई एयरबड्स ले लो, तो तब भी आप फायदे में हो। और A72 की प्राइस बढ़ के 82,000 तक हो गई है, तो 82,000 में तो बिल्कुल भी उसे कंसीडर ना करें। यहाँ पर सैमसंग ने अभी रिसेंट एक और फ़ोन लॉन्च किया है, सैमसंग A52S 81,000 का, वो अच्छा फ़ोन है, मतलब कि वो A72 से ज़्यादा बेहतर है कि आप A52S ले लें, क्योंकि उसके अंदर प्रोसेसर काफ़ी नेक्स्ट लेवल का लगाया गया है, मतलब कि स्नैपड्रैगन 778G जो है 5G प्रोसेसर है, नेक्स्ट लेवल का सुपर फास्ट प्रोसेसर है, उसकी जो अंतुतु स्कोर है ना तकरीबन 5 लाख के करीब आ रहे हैं, मतलब कि फुल फ्लैगशिप वाला सीन है। और इस ये A52 जैसा सेम फ़ोन है, बस इसके अंदर एक प्रोसेसर को इतना अपग्रेड कर दिया है कि एक 5G प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा अपग्रेड कर लिया है, कैमरा सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो गया है, क्योंकि जब प्रोसेसर आपका अच्छा होता है ना तो कैमराज आपके वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। स्क्रीन जो है A52S के अंदर जो है A52 के अंदर 90 हर्ट्ज़ थी, इसके अंदर 120 हर्ट्ज़ कर दी गई है, तो ये छोटे छोटे अपग्रेड के साथ अपग्रेड करके जो है A52S जो है एक अच्छा पैकेज है सैमसंग की। पूरी A सीरीज़ के अंदर A52 और A52S ये दोनों अच्छे फ़ोन्स हैं, जो कि बंदा इजीली किसी को रिकमेंड कर सकता है। लेकिन ये बाकी जितने फ़ोन्स हैं ना, ये सारे एक सवाल या निशान है, मतलब ये मैं उस तरह के बंदे को रिकमेंड करूँगा जिसको सैमसंग की UI की आदत हो चुकी है, वो मतलब सैमसंग के अलावा कोई और फ़ोन लेना ही नहीं चाहता, तो फिर मैं उसे रिकमेंड करूँगा कि भाई ले लो।
क्योंकि आप इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन इससे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि हर प्राइस के अंदर काफ़ी सारे फ़ोन होते हैं और बंदे देखते हैं कौन सा ज़्यादा बेटर है। लेकिन एक बंदे को सैमसंग की आदत है तो उसे तो खैर वही अच्छा लगेगा जो सैमसंग का फ़ोन होगा, और ज़्यादातर यूज़र इंटरफेस के ऊपर होता है कि जो सैमसंग की वन यूआई है उसकी लोगों को आदत हो चुकी होती है। और उसके अलावा जो हमारे घर वाले होते हैं, जो हमारे माँ बाप वगैरह हो गए, या जो भी जो थोड़े से ओल्ड एज लोग होते हैं जिनको सैमसंग की मतलब एक ब्रांड वैल्यू होती है कि यार सैमसंग हमें फ़ोन लेना है, तो उस तरह के लोगों को बंदे रिकमेंड करें, सैमसंग के जो फैंस हैं उनको रिकमेंड करें। लेकिन ओवरऑल अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए ना 50,000 से नीचे बजट में, तो आपको काफ़ी सारे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे जो कि मैंने सारे इस वीडियो के अंदर बताएं। A52 और A52s का जो कंपटीटर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, ये दोनों फोन्स काफ़ी अच्छे हैं अपने प्राइसेस के हिसाब से। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि यार आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं आप तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। अगर आप सैमसंग के फ़ैन भी हैं तो आप नीचे अपनी भी मतलब कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं सैमसंग ए सीरीज़ के हवाले से, हो सकता है कहीं पर मैं गलत हूँ। खैर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।